जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ रियाज। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें सुनने के लिए हमारा चैनल यूपी ब्लॉग ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अभी से काफी सतर्कता बरत रही है ताकि कोई उत्पाती कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवधान उत्पन्न ना कर सके। इसके मद्देनजर कोतवाल गौरव सिंह यादव ने कोतवाली में दोनों समुदायों के लोगों के साथ बैठक कर वार्ता की। बैठक के दौरान कोतवाल गौरव सिंह ने लोगों को कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस द्वारा पूरी चौकसी बरती जाएगी। इसके साथ ही नगर व क्षेत्र के प्रमुख शिव मंदिरों व कांवड़ियों के शिविरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। मीट की दुकानों व शराब ठेकों पर भी पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। बैठक में चौकी इंचार्ज जयपाल सिंह के साथ व्हीप नेता अखिलेश गंगवार, भाजपा नगर अध्यक्ष केशव गुप्ता, वरिष्ठ भाजपा नेता कामेश पांडे, अंजुमन के पूर्व सदस्य एन ए अंसारी, प्रधान रिछौला किफायतुल्ला मोहम्मद सलीम अंसारी, आदेश श्रीवास्तव, रईस सिद्दीकी, योगेश शर्मा, सभासद संतोष गुप्ता, सोनी राठौर, लल्लू गुप्ता, नवनीत गंगवार, राम प्रकाश गंगवार, जितेन्द्र शर्मा आदि शामिल रहे। तो वहीं बीजेपी के नगर अध्यक्ष केशव व कामेश पांडे ने लोगों से अपील की कि कोई आपत्तिजनक गीत न बजाए जिससे हमारे और दूसरे समुदाय के भाइयों को तकलीफ। नवाबगंज से रियाज अहमद अंसारी की रिपोर्ट। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं आज की सभा की मीटिंग हुई सावंत में, इसमें क्या परिणाम निकला, क्या बात हुई बताइए। हमेशा होती है, श्रावण मास से पहले यहाँ थाने में पीस मीटिंग हमेशा होती है और अच्छा भी है। सभी समुदायों के लोग जो है यहाँ एकत्रित होके और नगर में जो परेशानी होती है या नहीं होती है उनके बारे में उसका विवरण जो है हमारे यहाँ निरीक्षक साहब को देते हैं। उसको कोई आपत्ति नहीं, आपत्तिजनक कोई ऐसी बात हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी पूर्व में भी आपत्ति नहीं थी और आज भी कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ हर त्यौहार बहुत प्रेम से मनाया जाता है, वो किसी भी समुदाय मजहब वगैरह का हो। यहाँ हर त्यौहार बहुत प्रेम से मनाया जाता है और जो सावन का महीना है बहुत पवित्र महीना है, पूरा नवाबगंज भोलेमय होता है और विभिन्न जगहों से, नवाबगंज के विभिन्न मोहल्लों से लोग कांवर लेके जाते हैं और जल भर के लेके आते हैं। यहाँ कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सभी समुदायों के, सभी मजहब के जितने भी लोग हैं मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे का स्वागत करते हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप कांवरियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे। सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। सड़क पर निकलते समय उहा पोह में ना निकलें, लाइन में निकले, क्योंकि हर इंसान के अंदर परमात्मा का निवास है। इसको जान के कहीं भी कोई भी अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसमें मतलब मानव के रूप में जो है परमात्मा को परेशानी होगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को हम अगर ठीक रख के रोड पे चलेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। और कुछ सॉन्ग जो बजते हैं उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? वैसे तो मैंने तो नहीं सुना आज तक, मैं आपको झूठ बोलूं, लेकिन हाँ ये और लोगों से सुना है कि भाई इस तरह का कोई सॉन्ग बजता है या नहीं बजता है, तो मैं भी उसके खिलाफ हूँ। इस तरह का सॉन्ग नहीं बजना चाहिए जो किसी की भावना को आहत करे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कांवरती भोलों के जत्थों में जो लोग इस तरह के जाते हैं, मैं उनको भोले नहीं कहता, क्योंकि कोई ना कोई अपनी मौज मस्ती के लिए जो चला जाता है, वो लोग अगर किसी तरीके से इस तरह का कोई गाना अगर बजाते हैं तो उसकी शिकायत जो है सीधे थाने में करी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे नवाबगंज से फिलहाल ऐसा कोई जत्था नहीं जाता जो कि ऐसी आपत्ति वाली चीजें बजाता हो। पीस मीटिंग हुई है, पीस मीटिंग के माध्यम से कांवड़ियों को कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? बिल्कुल देना चाहेंगे। इसमें जो कामर्थी दल हम लोगों के नवाबगंज से या बाहर से हम लोगों के बीच में आते हैं, उनके लिए अनुशासन में रह के
भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और जो हम लोगों का प्रतीक है कांवर, उसको विधिवत तरीके से सावन का त्यौहार हम लोगों को संपन्न कराना चाहिए। सर क्या लगा आज की मीटिंग में कोई आपत्तिजनक कोई बात तो नहीं हुई? कोई बात नहीं हुई ऐसी आपत्तिजनक, और बाकी जो गानों को लेकर भजनों को लेकर बात उठी थी तो उसको हम लोग चाहेंगे कि वो नाम नानक चंद शर्मा, मैं कथावाचक हूँ जी। सर जैसा कि सावन का महीना चल चुका है और कांवड़ियों का मतलब आना जाना होने वाला है, कांवड़ियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, कांवड़ियों से मेरा ये आग्रह है, ये हमारे त्याग और तपस्या के लिए सावन का महीना आया है, ऐसे सावन के महीने में हम नशे से दूर रहें, और जिसके लिए हम कांवड़ ले जाते हैं माता पिता के सम्मान के लिए, उनके सम्मान के लिए हम सब कांवड़ियों को संदेश देना चाहते हैं, वो नशेबाजी से दूर रहें और यातायात में किसी प्रकार की बाधा पैदा ना करें। सर आए दिन जो कांवड़ियों के साथ दुर्घटनाएँ होती हैं उसके बारे में कोई संदेश देना चाहेंगे? इसके पीछे यही कारण रहता है, जब जो हमारे कांवड़ी दल होते हैं कुछ ऐसे लोग वास्तव में उनमें घुस जाते हैं जो उसमें बाधा पैदा उत्पन्न कर देते हैं, उन लोगों को पहचान करना कांवड़ियों जरूरी है कि हमारे कांवड़ियों चाहिए कि हमारे पीछे कौन है हमारे आगे कौन है, अगर हम आगे पीछे की जानकारी भूल जाएंगे तो निश्चित कोई ना कोई घटना घट सकती है। और कोई मेन महत्वपूर्ण संदेश? जी हाँ, आज की मीटिंग अच्छी हुई है और माननीय कोतवाल साहब गौरव सिंह ने जो मीटिंग ली है, मुझे उम्मीद है उनके इस कार्यकाल से हमारे नवाबगंज में किसी प्रकार कोई बाधा उत्पन्न नहीं।